हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। हम लोग स्टडी कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स में सुपरपोजिशन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के बारे में। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वो होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी दो वेव्स का, एक का क्रस्ट और दूसरी का भी क्रस्ट, या एक का ट्रफ या दूसरे का ट्रफ, दोनों एक साथ आ रहे हों, एक पॉइंट पर सेम टाइम पर आ रहे हों, तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। और वो ब्राइटनेस जो बढ़ती है वो चार गुना बढ़ती है, 4a² और उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो दो गुना बढ़ता है, 2a, अगर a एम्पलीट्यूड है उस वेव का। तो इस तरह का काम होता है अपना कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, आइए डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये एक मैं वेव बना रहा हूँ, कोई एम्पलीट्यूड ए की वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ए, मैं कहता हूँ A1 एम्पलीट्यूड है। एक दूसरी वेव यहाँ पे बनाता हूँ, लाइट वेव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव में तो क्रस्ट के साथ क्रस्ट आना चाहिए था और ट्रफ के साथ ट्रफ, बट यहाँ पे अगर क्रस्ट आता है तो दूसरी वाली वेव का ट्रफ आना चाहिए, और इसका ट्रफ आता है तो इसका क्रस्ट आना चाहिए, बिल्कुल उससे अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट। और मैं कहता हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड है A2, A1 एम्पलीट्यूड, A2 एम्पलीट्यूड, पहली वेव दूसरी वेव, ये दोनों वेव कोहेरेंट होनी चाहिए, मीन्स इनका वेवलेंथ, इनका फ्रीक्वेंसी, इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए कि जैसे इस वाली वेव को मैं और थोड़ा आगे तक ले जाता हूँ, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम इसको, यहाँ तक बना देते हैं, देखिए ऐसा, ये इतना। इससे हमें लगता है कि दोनों स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, यहाँ से इसका भी क्रस्ट आता है पहले और इसका भी क्रस्ट आता है, कोहेरेंट वेव है ये। अब इस कंडीशन को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट जो सबसे पहले है, रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा अभी बाद में लेक्चर में, बट कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं उसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि इसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और उसका जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो सेम होनी चाहिए। ये अपनी रिक्वायरमेंट होती है। क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की रिक्वायरमेंट है। किस तरह की कंडीशन डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या कंडीशन होती है उसके लिए? कंडीशन देखिए, कंडीशन ये होती है कि क्रस्ट ऑफ वन वेव, क्रस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रफ ऑफ अदर वेव शुड रीच एट सेम टाइम, ये साइमल्टेनियसली। क्रस्ट और ट्रफ अगर एक साथ आते हैं इस पॉइंट पर, क्रस्ट और ट्रफ एक साथ आते हैं तो ही अपना डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर दैट। व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दैट? रिजल्ट क्या होता है इसका? चलिए रिजल्ट में लिखने से पहले मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ध्यान देंगे बच्चों। इन दोनों वेव में इसका रिजल्टेंट यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। तो अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए रिजल्टेंट इज वॉट, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। इफ A1 इज इक्वल टू A2 देन A रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। वाई, ये 0 क्यों हो गया? तो आंसर है A1 A2 दोनों बराबर हैं लेकिन अपोजिट हैं, एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एक दूसरे के, यहाँ पर प्लस होने की बजाय क्या आ जाएगा, A2 माइनस का हम देना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों मिलके 0 देते हैं, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो वेव नहीं मिलती, जस्ट 0 डॉटेड। जितना ये इसको ऊपर उठाना चाहता है उतना ही वो उसको नीचे दबा देता है, तो नेट कितना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, फ्लैट, बिल्कुल सीधा। इस तरह के सुपरपोजिशन को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? तो आंसर है एम्पलीट्यूड, रिजल्ट में एम्पलीट्यूड 0,
एम्पलीट्यूड नहीं आया। इसकी इंटेंसिटी कितनी आई? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है बेसिकली? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर का। तो इसका एम्पलीट्यूड ही नहीं रहा तो इंटेंसिटी भी कैसे इसकी? इसकी इंटेंसिटी भी जीरो हो जाती है। अब इसके बाद हमने रिक्वायरमेंट कंडीशन रिजल्ट के बाद डिस्कशन किया था, वो था अपना फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कराने के लिए? तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस की कहानी को ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहाँ से ये आपका एक पाई और ये यहाँ से एक पाई, दो पाई और ये तीन पाई। टोटल फेज ऊपर वाली वेव का थ्री पाई है, टू पाई थ्री पाई। नीचे वाली वेव का वन पाई टू पाई। इसका थ्री पाई है, इसका टू पाई है, तब इनके क्रस्ट और ट्रफ एक साथ पहुंचे हैं। तो इसका फेज डिफरेंस निकालना चाहें कि इसका थ्री है और इसका टू है, तो डिफरेंस कितने का आया? वन का। तो फेज डिफरेंस तब पाई का होगा, पाई का होगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में? कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अच्छा, इसके बाद फाई के बाद कितना होना चाहिए? तो आंसर है, अगर मान लीजिए मैं इस वेव को और पीछे बढ़ा देता हूं, इतना टू पाई पीछे बढ़ा देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका फाइव पाई। और ये कितना रह जाएगा? 2 पाई। तो ये तो पीछे बढ़ाने पे 5 पाई हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 पाई माइनस 2 पाई इज हाउ मच? 3 पाई। इसी तरह से रिजल्ट 5 पाई एंड सो ऑन। हम इस फेज डिफरेंस का अगर एक मिगुल जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए? तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 पाई, वेयर n इज इक्वल टू वॉट? देखिए, समझते हैं इस बात को। अगर n को हम जीरो से स्टार्ट करें, तो अगर मैं n को जीरो पुट करता हूं तो 2 इंटू जीरो जीरो प्लस 1 क्या बचा? पाई। n को 2 पुट करते हैं तो 2 टू जो 4 प्लस 1 5। 2 पुट करते हैं 1 पुट करते हैं 1, जीरो के बाद 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 पाई, 2 पुट करते हैं तो 5 पाई 3। इस तरीके से क्या होगा? ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब वो आपकी मर्जी है, आप इसको माइनस से भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे n को जो स्टार्ट करना होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, so on। ये हमने बात की फेज डिफरेंस के लिए कि भाई इसका फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं फेज डिफरेंस के बाद पाथ डिफरेंस की, पाथ लेंथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस कितना होता है। तब हम पाथ लेंथ डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसका पाथ लेंथ निकालते हैं। ये जो एक वेव बनी हुई है और ये एक जो दूसरी वेव है, इन दोनों के बीच का पाथ लेंथ कितना है? तो इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि 2 पाई इज इक्वल टू 1 लैम्ब्डा, 2 पाई 1 लैम्ब्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आपका 1 लैम्ब्डा और ये आधा लैम्ब्डा, मतलब डेढ़ लैम्ब्डा, 1.5 लैम्ब्डा इसकी लेंथ है। और इसकी लेंथ कितनी है? 1 लैम्ब्डा, 1 लैम्ब्डा और 1.5 लैम्ब्डा। डिफरेंस कितने का आया? 0.5 का, यानी कि क्या आया? लैम्ब्डा बाय 2 का डिफरेंस आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसको पीछे बढ़ा देता हूँ और, तो यहाँ पर 1 लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा और हाफ लैम्ब्डा, यानी कि 2 और आधा 2.5, यानी कि 2.5 लैम्ब्डा। इसमें तो 2.5 लैम्ब्डा है और इसमें कितना है? फिर से 1 लैम्ब्डा। 2.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचा आपकी बार? 3/2 लैम्ब्डा, मीन्स 1.5 लैम्ब्डा। एंड ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे, तो ये इस तरीके से सिमेट्री बन जाएगी हमें। तो ये इसका पाथ लेंथ डिफरेंस होना चाहिए। पाथ लेंथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला मिगुल 2n प्लस 1 इंटू लैम्ब्डा बाय 2। देखिए, इस बात को थोड़ा सा क्लियरली समझिएगा। 2n प्लस 1 लैम्ब्डा बाय 2 में n को 0 पुट करते हैं तो क्या आया? लैम्ब्डा बाय 2। 1 पुट करते हैं तो 2 और ये 3 लैम्ब्डा बाय 2 एंड शॉन। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड शॉन। ये अपना पाथ लेंथ डिफरेंस की बात होगी। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमने ख़त्म कर लिया, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की कहानी है, वो सब मैंने आपको डिस्कस कराई। इसमें हम लोग क्या देख पाए कि इसकी इंटेंसिटी, तब ये दोनों वेव्स क्रस्ट के साथ ट्रफ आता है, ये दोनों वेव्स तब एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो उन दोनों वेव्स के एक पॉइंट पर मिलने की वजह से इसका रिजल्ट सब कुछ जीरो हो जाता है। रिजल्ट में एम्पलीट्यूड भी जीरो हो गया उसका और इंटेंसिटी भी जीरो हो गई है। तो इसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड तब जीरो हो जाता है, तो उसके जीरो होने में हम लोग क्या समझते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन रहा। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो हमें चाहिए होता है कोहेरेंट सोर्स।
कोहेरेंट सोर्स, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कैसे हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।